हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम लोग कन्नड़ा में दो शब्द सीखेंगे, लेकिन ये दो शब्दों को इस तरह से प्रयोग करना सीखेंगे कि हम लोग जहां भी ये दो शब्द हमें लगाने की आवश्यकता पड़े, हम लोग बहुत आराम से लगा सकते हैं। वो दो इंपॉर्टेंट शब्द क्या है पता है? ओपन, क्लोज, दरवाजा खोलो, खिड़की अच्छे से बंद करो, पुस्तक खोलो, आंखें खोलो, मुंह बंद करो। तो फ्रेंड्स, खोलो और बंद करो, ओपन और क्लोज, इसका प्रयोग, तेरी और मुच्चू, इसका प्रयोग कन्नड़ा में किस तरह से करते हैं, हम लोग आज उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका प्रयोग तो बहुत अधिक होता है ना, निश्चित रूप से फ्रेंड्स। तो हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस चाहिए कि ये दो शब्दों के बारे में हम जान जाएं और इन दो शब्दों का जहां जहां भी प्रयोग करने की आवश्यकता पड़े, हम बहुत अच्छे से खुद ब खुद कर लें। तभी तो सीखने का मतलब है फ्रेंड्स, रट रट के तो हम लोग नहीं कर सकते। तो आज हम लोग तेरी और मुच्चू, ये दो शब्द का प्रयोग हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हंसते खेलते जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो आसानी से सीख जाते हैं, प्रेशर में यदि हम रटने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी आने वाला नहीं है। बिल्कुल हैप्पीली, खुश रह करके हमें सीखना है कन्नड़ा, लर्न विथ हैप्पीली, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, आज हम लोग ओपन, क्लोज, ओपन को कहते हैं तेरी और क्लोज को कहते हैं मुच्चू, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। ओपन मतलब खोलो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बस यदि हम इन चीजों को जान गए ना, तो सबका प्रयोग बहुत अच्छे से हम लोग कर लेंगे। ओपन, ओपन को कहते हैं फ्रेंड्स तेरी, और साथ ही साथ में तेगी भी कहते हैं, कहीं तेरी कहीं तेगी, इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। और क्लोज, क्लोज को कहते हैं मुच्चू, बड़ों से बोलना हो तो मुच्ची, साथ ही साथ हाकू, इसका भी प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। साथ ही फ्रेंड्स, यह ध्यान रखिए कि आप जहां पे भी रहते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, वहां के लोग किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहीं पे जो है ना, लोग मुच्चू बोलेंगे, मुच्ची बोलेंगे, हाकू बोलेंगे, कहीं पे तेगी बोलेंगे, कहीं तेरी बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कहां पर क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी भाषा को सीखने से सबसे पहले हमें गुड लिसनर बनना है, ध्यान से सुनना है वहां पे लोग कैसी बातें करते हैं, उसके बाद हमें बोलने की कोशिश करनी है। तो फ्रेंड्स, अब तो हम लोग धीरे धीरे जो है ना, स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से कन्नड़ा पे पकड़ पा ही चुके हैं, अब हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमारे जो शब्द कोश है, हमारी डिक्शनरी, वोकैबुलरी, हमें बस उसे ही स्ट्रॉन्ग करना है। तो जितना अधिक हम शब्दों का मायने जानेंगे, उतने अच्छी तरह से हम उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे अच्छे वाक्य बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से पूरी पकड़ पानी है तो अपना दीपा डायरी है ही है, ऐप दीपा डायरी, और साथ ही साथ वेबसाइट deepadiary.com। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग किसका प्रयोग जानेंगे, तेरी मुच्चू। तेरी का मतलब होता है खोलना, खोलो, और बंद करो का होता है मुच्चू, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स अब जान लेते हैं। अब तो इतनी बार मैं इसका प्रयोग की, तेरी तेगी मुच्चू मुच्ची, तो याद हुआ ना। अब देखते हैं शब्दों के साथ कैसे प्रयोग करना है। जैसे दरवाजा, दरवाजा कहाँ कहते हैं, बागीलू, दरवाजा बागीलू। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान गए बागीलू कहते हैं, और खोलो को कहते हैं तेरी, बागीलू तेरी, हो सकता है नहीं हो सकता है, बागीलू तेरी, देखिए वही चीज लिखा है। दरवाजा कहते हैं बागीलू, बागीलू, दरवाजा खोलो, बागीलू तेरी, बागीलू तेरी। अब यदि हमें कहना है फ्रेंड्स दरवाजा ठीक से खोलो, मान लीजिए आपको, आपने किसी को कहा दरवाजा खोलो, ढंग से खोला नहीं, तो आप बोलेंगे ना ठीक से खोलो, तो ठीक को क्या कहते हैं, सेरियागी। हम लोगों ने इसके बारे में कितनी बार बातें की है फ्रेंड्स, ठीक है, सेरियागी। तो फिर क्या बोलेंगे, बागीलू सेरियागी तेरी, बागीलू सेरियागी तेरी, या फिर बागीलू सेरियागी तेगी, कुछ भी बोल सकते हैं, तेरी और तेगी, ठीक है ना, बागीलू सेरियागी तेरी, मतलब दरवाजा ठीक से खोलो। अब साथ ही देखते हैं फ्रेंड्स बंद करो को क्या बोलेंगे, बंद करो को बोलेंगे मुच्चू, मुच्चू, ठीक है, मुच्चू। तो फ्रेंड्स, मुच्चू का प्रयोग कैसे करना है, देखो दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, तो बागीलू दरवाजा हुआ, बागीलू मुच्चू, बागीलू मुच्चू, दरवाजा बंद करो, दरवाजा खोलो के लिए जैसे था वैसे ही दरवाजा बंद करो। और उसी प्रकार की बोलना फ्रेंड्स, दरवाजा ठीक से बंद करो, ढंग से बंद करो, अच्छे से बंद करो, तो फिर वहां फिर हमें सेरियागी लगाना होगा। तो क्या फिर बोलेंगे, बागीलू सेरियागी मुच्चू, देखिए बागीलू, बागीलू सेरियागी मुच्चू, है ना आसान। चलिए अब एक दो और देख लेते हैं फ्रेंड्स एग्जांपल, इसके बाद ना आप तो खुद ही खुद जो है ना इसका प्रयोग करने लग जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, खिड़की, खिड़की को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो खिड़की को कहते हैं फ्रेंड्स किटकी, खिड़की को कहते हैं किटकी, ठीक है।
किटकी। तो फिर उसी तरह से यदि बोलना है खिड़की खोलो तो क्या बोलेंगे, किटकी तेगी, किटकी तेरी, दो किटकी तेरी, खिड़की खोलो, खिड़की ठीक से खोलो, ढंग से खोलो, किटकी सेरी आगी तेरी। उसी प्रकार खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो, किटकी मुच्चू, किटकी मुच्चू, खिड़की ठीक से बंद करो, किटकी सेरी आगी मुच्चू, खिड़की ठीक से बंद करो। है ना आसान। चलिए और देखते हैं, आंख, आंख को क्या कहते हैं, याद है, कन्नो, कन्नो। लेकिन जब आंख, आंखें दोनों आंख रहेगा तो फिर क्या बोलेंगे, कन्नुगलु। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कन्नु गल्लू बोलते हैं, फिर कन्नू भी बोलते हैं, ठीक है ना, गल्लू उसके पीछे लगा देते हैं, गल्लू लगाने से फिर प्लूरल बन जाता है, तो फिर कन्नगल्लु ऐसे बोलते हैं, आंखें कन्नगल्लु ऐसे। तो फिर आंख कन्नू हो गया, अभी हम बोला आंखें खोलो, मतलब दोनों आंखें खोलो, ठीक है ना, तो फिर क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, कन्नू तेरी, कन्नगल्लु तेरी, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक से करो, सेरी आगे तेरी। उसी प्रकार आंखें बंद करो, फिर कर्ण गल्लु मुच्चू, कर्ण गल्लु मुच्चू। तो फ्रेंड्स कोई बच्चा सो रहा है, ढंग से नहीं सो रहा है, ऐसे कर रहा है, अब वो बोलना है ठीक से आंखें बंद करो, तो सेरियागी मुच्चू, कर्ण गल्लु सेरियागी मुच्चू, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार से देखिए मुंह, मुंह को बोलते हैं बाई, मुंह को बोलते हैं बाई, ठीक है फ्रेंड्स, मुंह को बोलते हैं बाई। तो उसी प्रकार यदि बोलना है मुंह खोलो, मुंह खोलो, पहले मुंह खोलो, कुछ खिलाना है, मुंह खोलो, तो क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, बाई तेरी, है ना, मुंह बंद करो, बाई मुच्चू, हो गया ना। उसी प्रकार पुस्तक को क्या कहते हैं, पुस्तक को कहते हैं पुस्तका, पुस्तक को कहते हैं पुस्तका, पुस्तक खोलो क्या बोलेंगे, पुस्तिका तेरी, पुस्तक बंद करो, पुस्तिका मुच्चू। उसी प्रकार फ्रेंड्स डिब्बा जो होता है ना, डब्बा, डिब्बा जो होता है उसको कहते हैं पेट्टी, डब्बा को कहते हैं पेट्टी। तो फ्रेंड्स डब्बा ढंग से बंद करो, डब्बा ठीक से बंद करो, डब्बा अच्छे से बंद करो, इसे हम लोग कन्नड़ा में क्या कहेंगे, फटाफट कमेंट्स करके बताइए, तब तो हमें पता चलेगा कि ये जो लेसन है वो कितना समझ पाए या नहीं समझ पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कैसी लगी छोटी सी वीडियो, अच्छी है ना, अब लग रहा है ना कि हम लोग भी जो है ना तेरी मुच्चू इसका प्रयोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे फ्रेंड्स, जहां चाह वहां रह, इंटरेस्ट होगा तो हम लोग सब सीख जाएंगे, हैप्पीली सब कुछ सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि भाषा ऐसी चीज है कि जितना जितना बोलेंगे उतनी अधिक हमारी पकड़ बनती जाएगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।